अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है एक इंतहाई ज़बरदस्त फ्यूचर का धमाकेदार ब्लॉकबस्टर ड्रामा रक्स ए बिस्मिल। जी हाँ बिल्कुल, इसकी जो है पहली किस्त लास्ट वीक जो है टेलीकास्ट हुई थी और सेकेंड एपिसोड इसका आज टेलीकास्ट हुआ है। ड्रामे ने पहले ही सीन से आखिरी सीन तक ऑडियंस को बिल्कुल कैप्चर कर डाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामा है ये 2021 का ब्लॉकबस्टर होने वाला है और सुपर 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 से भी ऊपर ये हिट होने वाला है। तो इस ड्रामे की सबसे पहले कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कास्ट में जो इसमें मेन लीडिंग रोल है वो है इमरान अशरफ का, जो कि है मूसा का कैरेक्टर। मूसा के ऑपोजिट जो है फीमेल लीडिंग कैरेक्टर अदा कर रही हैं जोहरा। जोहरा का कैरेक्टर अदा कर रही हैं सारा अली खान। पिछले ड्रामों में आपने उनकी एक्टिंग देखी होगी, बहुत ही मुनफरद किस्म के रोल्स जो हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हैं। तो वो इसमें जो है जोहरा का कैरेक्टर जो है निभा रही हैं। इसके साथ साथ दो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। एक तो अनुषा वासी है जो कि सकीना का कैरेक्टर अदा कर रही है और जो कि मूसा की रजाई बहन भी हैं। और मूसा का छोटा भाई जो है उसका नाम है ईसा। ईसा का जो कैरेक्टर है वो अदा कर रहे हैं मोमिन दुरेद। इन्होंने ऐसे जितने ज़्यादा ड्रामे नहीं किए हैं, आई थिंक इनका कोई चौथा या पांचवा ड्रामा है एज फार आई रिमेंबर। और जब मैंने इनको आई थिंक पहली दफ़ा नोटिस किया, इससे पहले मैंने एक आध ड्रामे में किया था बट इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इस ड्रामे में इसका थोड़ा ज़्यादा रोल है तो इसलिए मुझे थोड़ा नोटिस में आई है। ड्रामे की शुरुआत हुई है इमरान अशरफ की एक दबंग सी एंट्री, यानी कि जीप के अंदर वो आता है। बिल्कुल मुझे तो लगा कि कोई फिल्म चल रही है, ड्रामा तो ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। उसने बड़ी ही दबंग एंट्री ली है। अच्छा, पीर घराना दिखाया गया है। पीर घरानों के अंदर शादियां जो है फैमिली से बाहर नहीं होती हैं, तो ये सकीना को उठा के ले आता है और उठा के लेकर आके फैसला ये होता है कि शादी जो है सकीना की मूसा के छोटे भाई ईसा से कर दी जाए और उसी दिन पहले ही एपिसोड के अंदर इन दोनों का निकाह करवा दिया जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग इस किस्त के अंदर क्या चीज़ हुई है वो ये हुई है, अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, सकीना देती है मूसा को ज़बरदस्त किस्म की बद्दुआ। मूसा का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें ये बात जाहिर की गई है कि वो इश्क और मोहब्बत और औरत और लड़की से बहुत दूर है, उसको इन सब चीज़ों के मायने बिल्कुल नहीं पता है। तो अनुषा ने जो उसको बद्दुआ दिया है कि तुझे भी मोहब्बत होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मूसा को अनोइंगली सारा अली खान से मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन पहले किस्त में बताया गया है कि मूसा को एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि मुकम्मल पर्दादार हो, दीनी हो और मजहबी घराने से उसका ताल्लुक़ हो, और तो और उसको कभी किसी नामहरम ने नहीं देखा। एंड पहले किस्त के आखिर में उसका टकराव हो जाता है बस में सारा अली खान के साथ। अच्छा, बात कर लेते हैं सेकेंड एपिसोड की, जो कि आज की टेलीकास्ट हुई थी। उसमें दिखाया गया सारा अली खान का असली चेहरा। असली चेहरा मतलब जो ईसा समझ रहा था कि वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखती है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती है जहाँ पे लड़कियाँ डांस पार्टीज में रक्स करती हैं और उसकी बाकायदा उनके घराने में प्रैक्टिस भी की जाती है। से जाहिर होता है कि वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक नहीं रखती है और आगे जाके यही ड्रामे का जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी बात। क्यों? क्योंकि मूसा जो है वो है एक मजहबी फैमिली से जिसका ताल्लुक है एक पीर घराने से, जिसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। और जोहरा जो है उसकी फैमिली बिल्कुल ऑपोजिट है। और जो दिखाया गया था कि सारा अली खान फुली कवर्ड है, उसको समझ रहा था मूसा कि वो एक रिलीजियस पर्पसेस की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने आप को कवर कर रही है ताकि उसके यूनिवर्सिटी फेलोज को पता ना चले कि वो भी उन डांस पार्टीज का हिस्सा होती है।
तो आगे वाले किस्तों में इंशाल्लाह ताला बहुत ही जबरदस्त किस्म का मसालेदार एपिसोड आने वाले हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मूसा को अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसको ज़ोरा से मोहब्बत हो गई है। वो आगे की किस्तों में मेरा ख्याल है वो डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन मूसा का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग सा दिखाया है और थोड़ा सा इनोसेंट दिखाया है, जितना वो बाहर से मजबूत और दबंग हो और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसको दिखाया, वो अंदर से इतना ही इनोसेंट है, यानी कि उसको अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि ही इज़ इन लव ऑलरेडी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाके ये ड्रामा। मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है इस वक्त इस ड्रामे में, एक तो है मूसा और दूसरा मूसा का भाई ईसा। मूसा का भाई ईसा इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि वो बहुत इनोसेंट और क्यूट है और वो सकीना से प्यार करता है और सकीना उसको भाव नहीं देती। मुझे लगता है कि इन लोगों की भी स्टोरी आगे जाके ना बहुत इंटरेस्टिंग सी होगी और अच्छी सी होगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का इस ड्रामे में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, कमेंट पे ज़रूर लिख के बताना मुझे कि अगली किस्त में जो है ना ये लोग क्या चीज़ लेकर आने वाले हैं। अभी तो इन लोगों ने सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, क्योंकि जो कास्ट मैंने चेक की थी उसमें फुरकान है, आमना है, आमना इलियास, ये सारे कैरेक्टर्स इसमें ऐड होने वाले हैं आगे की किस्तों में। अभी तो सिर्फ दो ही किस्तें आएंगी। तो खैर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर इसमें कौन सा है और आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ोहरा जो है वो ईसा के इश्क में मुब्तला होगी या सिर्फ ये वन साइडेड ही लव स्टोरी रहेगी। तो आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल करना है। सो यू गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।